नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की सुर्खियों की ओर। बिहार में 44,506 प्रधान शिक्षकों और 6,421 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। बिहार के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं 31 देश के विद्यार्थी। एनटीपीसी की कई इकाइयों से अब बिजली नहीं खरीदेगा बिहार। होली पर शराबियों को पकड़ने के लिए चलेगा बाइक धावा दस्ता। इन बच्चों को अब मुफ्त में पढ़ाएगा केंद्रीय विद्यालय। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 44,506 प्रधान शिक्षकों और 6,421 प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 44,506 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इसको लेकर ही शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच सहमति बन गई है। दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी और 150-150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, वहीं 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके साथ ही 4 प्रश्न के गलत जवाब देने के अंक भी काटे जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा में संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। बिहार के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं 31 देश के विद्यार्थी। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय देश का फिर विश्व गुरु का गौरव लौटाने की राह पर है। राजगीर के 455 एकड़ लंबे चौड़े परिसर में विश्वविद्यालय की नई इमारतें 90% बन गई है। यहां 31 देशों के करीब 1,000 छात्र नामांकित हो चुके हैं। 200-250 छात्र नियमित कक्षाएं कर भी रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि 2014 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 2 पाठ्यक्रम को जोड़ने का काम किया था। साल 2017 के बाद मास्टर्स 3 और कोर्स को जोड़ा गया था। आज कुल 20 कोर्स यहां पर चल रहे हैं। बिहार के सभी दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार के सभी दुग्ध उत्पादक किसान अब जल्द ही खुद से पनीर और छेना तैयार कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, सरकार जल्द ही बिहार के सभी दुग्ध उत्पादक किसानों को ये मौका देने जा रही है, जिससे इन किसानों की आमदनी में भी इजाफा होने की पूरी पूरी उम्मीद है। जिसे अब दुग्ध उत्पादक किसानों को औने पौने दाम पर दूध भी नहीं बेचना पड़ेगा। किसान खुद ही पनीर और छेना बनाकर उसे बेच सकेंगे। इतना ही नहीं, घी, क्रीम, दही भी तैयार कर बाजार में बेच सकेंगे। इसको लेकर प्रशिक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में बढ़ी बेरोजगारी। बिहार में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनवरी की तुलना में देश भर में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। जनवरी में अवसर बढ़े, फरवरी में फिर से कम हो गए, जिसका सीधा असर बिहार पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि इन सबके बीच राहत की एक ही बात है कि बिहार में ये वृद्धि बहुत अधिक नहीं देखने को मिली। जनवरी में जहां 13.3% थी, फरवरी के महीने में ये 14% देखी गई, जिसकी पूरी रिपोर्ट सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी की फरवरी की रिपोर्ट में पेश की गई है। वहीं देशभर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जनवरी के 6.57% की जगह फरवरी में 8.1% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार के अवसर भी कम हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जहां 5.84% जनवरी में थी, फरवरी में यह दर 8.4% पर पहुंच गई है। बिहार में किसानों को बारिश और ओले के कारण हुआ भारी नुकसान। बेमौसम बरसात जितनी खतरनाक आम लोगों की सेहत के लिए होती है, उतनी ही ज्यादा खराब ये किसानों के लिए साबित होती है, क्योंकि इसी बारिश के कारण किसानों की पूरी महीने की मेहनत बेकार हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब ठंड के मौसम में लोगों को बारिश का सामना करना पड़ा, जिसके कारण ही कई बार आंधी बारिश के कारण और ओले गिरने के कारण तिलहन और दलहन के साथ साथ आलू की खेती को काफी नुकसान होता है। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, कटिहार, औरंगाबाद, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, गया और पटना जिले में फसल की सर्वाधिक नुकसान होने की जानकारी निकल करके सामने आई है। किसानों ने दलहन में मटर, चना और मसूर तो तिलहन में राई, सरसों और तीसी की खेती बर्बाद होने की शिकायत की है। किसानों ने सरकार से इसे फसल क्षति के लिए पिछली बार की तरह भी ही मुआवजा देने की मांग भी की है। एनटीपीसी की कई इकाइयों में अब बिजली नहीं खरीदेगा बिहार। वर्तमान समय में बिहार को बिजली के क्षेत्र में उत्पादन कंपनियों को किसी भी हाल में फिक्स्ड चार्ज देना पड़ता है, चाहे बिजली वो खरीदे या नहीं खरीदे। यही कारण है कि बिजली सरेंडर करने की पहल तेज की गई है। बिजली सरेंडर करने का मूल कारण फिक्स चार्ज में हुई अप्रत्याशित वृद्धि ही बताई गई है। साथ ही बिहार में बिजली खपत की अगर हम बात करें तो हर महीने अलग अलग ये देखने को मिलती है। ऐसे में बिजली खपत का आंकड़ा अलग अलग होता है। इस
परिस्थिति में बिजली कंपनी को फिक्स्ड चार्ज के तौर पर हर महीने करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं, जिसके बाद ही बिजली कंपनी को हो रहे नुकसान को कम करने की रणनीति पर मंथन शुरू हो गया है। अब तय हुआ है कि जिन भी इकाइयों से बिजली महंगी मिल रही है उसे करार खत्म किया जाए। विधानसभा में इंजीनियरों पर लगा आरोप। आज विधानसभा की कार्यवाही में एक बार फिर से खूब बवाल देखने को मिला, जिसके तहत ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान सवाल जवाब में राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में इंजीनियरों पर जमकर भड़ास निकाली, जिसके तहत सदन में उन्होंने कहा कि 1832 ठेकेदारों का बिना जीएसटी काटे हुए भुगतान किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों की मिलीभगत में इस काम को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भी पेश किया, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि नियमानुसार काम किया गया है। जितना प्रावधान है वो जीएसटी विभाग ने काटा है, वहीं बाकी का जीएसटी वाणिज्य कर विभाग की तरफ से काटा जाता है। हालांकि भाई वीरेंद्र उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। होली पर शराबियों को पकड़ने के लिए चलेगा बाइक धावा दस्ता। होली का त्यौहार आ रहा है और होली के त्यौहार में जाम भी खूब छलकाया जाता है। हालांकि बिहार में तो शराबबंदी है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि शराब का सेवन बिहार में नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि अब होली के मौके पर शराबियों को पकड़ने और शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए बाइक दस्ता लगाकर गश्त करने वाले हैं। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने उत्पाद अधीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि हर 50 किलोमीटर पर बाइक से गश्त करवाया जाए। इसके अलावा रात में भी ड्रोन की मदद से दियारा इलाके में छापेमारी का आदेश दिया गया है। उत्पाद आयुक्त ने शराब के अवैध अड्डे लगाने वालों की सूची बनाने को भी कहा है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। चलंत फुल बॉडी स्कैनर के द्वारा राज्य के 5 चेक पोस्टों पर सघन जांच अभियान चलाने की भी तैयारी हो रही है। इन बच्चों को अब मुफ्त में पढ़ाएगा केंद्रीय विद्यालय। कोरोना के 3 लहरों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके कारण ही कई मासूम बच्चे भी अनाथ हो गए हैं। हालांकि कोरोना का संक्रमण तो अब कम हो गया है, लेकिन अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को संवारने की चुनौती सरकार के सामने भी है। यही कारण है कि अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मुफ्त में ऐसे बच्चों को पहली से 12वीं तक पढ़ाने का निर्णय लिया है, जिनके माता पिता की जान कोरोना के कारण चली गई है। इसको लेकर संगठन ने देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के प्रिंसिपल को निर्देश दे दिया है कि वो अनाथ बच्चों को मुफ्त में नामांकन उनका करवाए और 12वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था करे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि ये मुफ्त शिक्षा उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जिनके माता पिता दोनों की जान कोरोना के कारण गई है। शिक्षकों ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। बिहार में शिक्षा विभाग की चुनौतियां अब लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां छठे चरण में चयन से वंचित और सातवें चरण की बहाली की मांग शिक्षक अभ्यर्थी के बीच में देखने को मिल रही है, उस बीच आंदोलन के संकेत भी अब मिलने लगे हैं। इसी बीच अब नियोजित शिक्षक अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार प्रदेश भर के नव प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त किए 3 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन उनके लंबित मांगों पर विचार नहीं किया गया। नव प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया वेतन को लेकर टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने राज्य परियोजना निदेशालय को आंदोलन का ज्ञापन सौंप दिया है। होली में 35 डिग्री के आसपास होगा तापमान। बिहार में ठंड अब लगभग खत्म हो गया है। हालांकि रात को ही बस तापमान में थोड़ी ठंडक जरूर महसूस होती है, लेकिन अब मौसम में गर्मी का एहसास लोगों को बराबर होने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों ने तो होली के दौरान तापमान के 35 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान भी लगाया है। मौसम विभाग पटना ने यह साफ संकेत दिए हैं कि मौसम के तापमान में बदलाव होली के आसपास नजर आने वाला है। वहीं वर्तमान समय की बात करें तो विभाग ने फिलहाल मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नहीं दिखाई दे रही है। इस मौसम में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है, क्योंकि दिन में गर्मी और सुबह शाम की ठंड परेशान कर सकती है। बिहार में पूरी तरह से अकेले पड़ी कांग्रेस। बिहारियों को लेकर दिए गए बयान के कारण अब तक कई राजनेता फंस चुके हैं। कुछ समय पहले ही पंजाब के सीएम चन्नी के बिहारियों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद बीते दिन ही तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत द्वारा बिहार डीएनए की आलोचना किए जाने पर राज्य में माहौल गर्म हो गया है। यही कारण है कि बिहार में कांग्रेस के सहयोगी रहे राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की आलोचना तक कर दी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ऐसा बयान केवल एक अज्ञानी ही दे सकता है। बिहार की धरती सम्राट अशोक और भगवान महावीर जैसे महापुरुषों की धरती है। भाजपा और जदयू के नेताओं ने भी कांग्रेस नेता के बयान की तीखी आलोचना की है, लेकिन बिहार में कांग्रेस के नेता रेड्डी के बयान का समर्थन भी काफी किया जा रहा है। जेईई मेन के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीते दिन ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 का स्केड्यूल जारी कर दिया, जिसके तहत इस साल नामांकन परीक्षा 2 सत्र में आयोजित होने वाली है। इससे पहले सत्र की परीक्षा 16 से 21 अप्रैल और दूसरे सत्र की 24 से 29 मई तक होगी। इस पहले सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनटीए की सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर साधना पराशर की माने तो वेबसाइट www.jeemain.nta.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड कर दी गई है।
देश भर में कोरोना के मामलों में जारी है गिरावट, बिहार में भी दिख रही है राहत। देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड 19 के 7,554 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,38,599 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 85,680 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में 223 और लोगों की संक्रमण से जान जाने के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,14,246 हो गई है। देश में अभी 85,680 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.20% है। वहीं बिहार की बात करें तो बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 33 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें राजधानी पटना में 14 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,33,048 सैंपल की जांच की गई और 76 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। आयरलैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम मौजूदा समय में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी और इसके बाद सभी खिलाड़ी आईपीएल में व्यस्त होते नजर आएंगे। मई के आखिर तक आईपीएल 2022 का आयोजन होना है और फिर थोड़े ब्रेक के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे, क्योंकि वहां टीम इंडिया को एक टेस्ट और 3 दिन मैच की T20 और वनडे सीरीज खेलनी है। उसी समय भारत की एक दूसरे दर्जे की टीम आयरलैंड के लिए रवाना होने वाली है, जहां 2 मैच की T20 सीरीज खेली जानी है। इस बीच जो खबर निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार जिस तरह 2021 में भारत की दूसरे दर्जे की टीम ने श्रीलंका का दौरा किया था, उसी तरह भारत की दूसरे दर्जे की टीम आयरलैंड का दौरा करने वाली है। जून 2022 के आखिरी में ये 2 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने की उम्मीद है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है मिथुन कुमार, नन्नू कुमार, निकिता कुमारी, गोल्डन कुमार यादव, मिथुन कुमार पंडित, परवेज आलम, शशि भूषण, अक्षय कुमार, रंजीत मिश्रा, अशोक शर्मा, रवि कुमार राज, गोपाल कुमार, सनातन महतो। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शिक्षक बहाली के लिए बिहार सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।